अच्छा शेख साहब, जब आप नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल करेंगे तो आपको, मेरी तो राय है कि आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान अभी ना आए, कम से कम जब तक कोई सियासी सूरत हाल उनके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर मैं उनको पासपोर्ट जारी भी कर देता हूँ वो नहीं आएंगे, अल्लाह को पता है, अल्लाह ही उनको लाएगा। हालांकि मुझे ये बात लंदन तो इधर मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री में कहा गया कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर बात नहीं कर रहा। जो इतनी तगोदो और मुश्किलों और इतनी मेडिकल रिपोर्टों और इतने इतने बयानात के बाद गए हैं, सूरज मशरक से मगरब निकल सकता है, नवाज शरीफ कभी इन हालात में पाकिस्तान आने की कोशिश नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको हमारे शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं, उनको वापस लाया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप नहीं ला पाएंगे। मैं देखो, मैं कहूंगा तो मेरी मिनिस्ट्री का मसला है, लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, क्योंकि पासपोर्ट कैंसिल होने से एक चीज हो जाएगी कि उन्हें लंदन तक रुकना पड़ेगा। वैसे ही हो सकता है कि सऊदी अरब जद्दा चले जाते, कहीं और चक्कर लगाते, अब उन्हें आप सिर्फ लंदन तक रोक सकते हैं, ये आपको फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं ला सकेंगे आप। देखें, मैं उस टीम का रुकन हूं जो इमरान खान की क्यादत में खेल रही है, और कल ही मुझे खान साहब ने हदायत दी है कि एक्सटेंशन नहीं करनी, सो मैंने तो वही करना है ना जो खान साहब ने मुझे कहना है, और उसमें ये बात शामिल है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके जो पासपोर्ट है उसको एक्सटेंड नहीं कर रही।